तुम्हें यहां देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। दिख रहा है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूं। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा गुस्सा साफ नजर आ रहा है। Really? चलो अच्छी बात है, अगर मेरी आंखों में तुम्हें गुस्सा नजर आ रहा है, कोई गलतफहमी नहीं होगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी। मुझे गलतफहमी नहीं होगी कि पीता रोड़ा अच्छी थी। तुम्हें गलतफहमी नहीं होगी कि मेरा गुस्सा 2 सेकंड का है। यस पीता रोड़ा, ये गुस्सा मरते दम तक नहीं जाएगा। मैं जानती हूं। जानती हो? जानती हो तो यहां क्यों आई हो? जब तुम जानती हो कि तुम्हें देखकर मेरा दिमाग घूम जाएगा, पता नहीं मैं क्या कुछ कर बैठूंगा, तो फिर यहां क्यों आई हो? क्यों आई हो? I can't believe this. कैसे क्या बना दिया तुमने मुझे प्रीता? Look at me. ऐसा नहीं था मैं, इतना गुस्सा नहीं था मेरे अंदर। सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ। सही कह रहे, पहले कभी तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया। बनाया? तुम ही ने मुझे ऐसे बनाया, और ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। तो यहां क्यों आई हो तुम? हाँ, क्यों आई हो यहां? जबकि तुम्हें ये पता कि अगर तुम्हें मैं यहां देखूंगा तो धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा। पता नहीं क्या कुछ कर बैठूंगा। जानती हो ना तुम ये, तो क्यों आई हो यहां? अपनी मर्जी से नहीं आई, राखी आंटी के लिए आई हूं। उन्होंने मुझे बहुत कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। ओह रियली? मैं तो राखी आंटी के लिए आई हूं। ये भोली सूरत बना के किसी और को बेवकूफ बनाना भी जरूरा, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। जितनी इनोसेंट तुम दिखती हो ना, उतनी वो नहीं। तुम एक नंबर की शातिर और क्रूर हो, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना खराब हो जाए। करण प्लीज, कल तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैंने सुना, लेकिन आज मैं अपने खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी किसी की बेटी हूं, किसी की इज्जत हूं, किसी का गुरूर हूं। राखी आंटी की बहुत इज्जत करती हूं, इसलिए उन्हें ना नहीं कर पाई, वरना ना करने में क्या है, मना कर देती, यहां नहीं आती तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ता। उस इंसान का चेहरा जिसने कल मेरे साथ इतना गंदा बिहेव किया, इतना गंदा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो अब तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। करेक्ट है, क्योंकि यहां तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई हो। जाओ, कर लो उसकी मुंह दिखाई, खाओ पियो और किस को। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है कर, उधर प्रीता जी की माताजी और इधर बेबी की माताजी, लगता है ये सारी माताजी है ना आतंकवादी हो गई है। आ गया पंचायती बिजनेसमैन का रूम। चल बेटा पृथ्वी, माइंड को सेट कर और अंदर घुस। शैलिन, तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेती हो। बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी वो दोनों मिडिल क्लास लड़कियां प्रीता और सृष्टि इस घर में पसंद नहीं, और वो पृथ्वी भी। पृथ्वी तो यहां उस प्रीता की वजह से आता है। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे घर में आए, पर बेटा तुम जानती हो ना
मेरी फैमिली उन्हें कितना सपोर्ट करती है। बस कुछ दिनों की बात है, आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। एक बात की खुशी है मुझे बेटा, कि आज ऋषभ घर में नहीं है। अगर वो घर में होता तो प्रीता को देख के कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करता उसकी। तुम तो जानती हो ना, ऋषभ को कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है उस प्रीता के लिए। ये लूथरस प्रीता जी को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अरे किसी और को अपने दिल में रख लो, कटरीना, करीना, सबको प्रीता जी को ही क्यों अपने दिल में रखना है? बेटा, I promise you सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल नीचे चलो रस्म के लिए। ये पृथ्वी अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आए ना तो मैं नीचे नहीं जाऊंगी। बेटा क्या सोच रही हो? आई एम सॉरी आंटी कि मैं मुंह दिखाई के रस्म से ऐसे बीच से उठ के आ गई। वो क्या है ना, वो अरोरा सिस्टर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा क्रिएट कर देंगी। बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ट्रस्ट मी मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। ओ आंटी आप नीचे चलिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जा। जी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मैं उस प्रीता को और नहीं झेल सकती। ये बोलने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? ये बोलने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम्हें कोई काम करना है और वो भी बहुत जल्द। अब कौन सा काम करना है? उस प्रीता से शादी करनी है, as soon as possible. What? मैं what क्या कर रहे हो? तुम ही मरे जा रहे थे ना उस प्रीता से शादी करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा किसने बोला? और ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम अंधे हो गए हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या तुम पूरे के पूरे पागल हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि नीचे क्या हो रहा है? तुमने सुना नहीं वो राखी आंटी क्या बोल रही थी? प्रीता पुत्र हमारे घर की शान है, हमारे लिए बहुत शुभ है, लकी चार्म में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। हम कहीं मैं ये सुन सुनकर अगर यूं ही चलता रहा ना तो प्रीता जैसे इस घर में आएगी ये पूरे के पूरे लूथरस एक टांग पे खड़े होकर प्रीता की आरती उतारेंगे। और करण और प्रीता के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ना क्यों सॉल्व हो जाएंगी? और वो दिन भी दूर नहीं है कि ये लूथरस प्रीता को बोलेंगे प्लीज हमारे करण से शादी कर लो। अगर करण और प्रीता की शादी हो गई, प्रीता इस घर में आ गई ना तो हम दोनों को डोज मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा मेरा सपना है ना ये लूथरस की प्रॉपर्टी को हड़पने का, वो चूर हो जाएगा। वी आर गोना बी फिनिश्ड। देखो इस प्रीता नाम के फंदे को मेरे गले से निकालने का एक ही रास्ता है। क्या? इस फंदे को तुम अपने गले में डाल लो। उसे करण, राखी और लूथरा परिवार से दूर ले जाओ, मेरी लाइफ से दूर ले जाओ। तुम एक काम करो, वो अरोरास को, वो मिडिल क्लास लोगों को जाकर ये कहो कि तुम्हारा बिजनेस में घाटा हो गया है, तुम्हें दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम्हें जल्द से जल्द दुबई जाना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें शादी करनी, अपनी शादी फास्ट ट्रैक पे डालो। प्रीता को मेरी जिंदगी से, करण की जिंदगी से दूर ले जाओ। आई वॉन्ट हर आउट ऑफ माई लाइफ। बीबी, आज से पहले इतना फैंटास्टिक आइडिया तुमने कभी नहीं दिया, दिल खुश कर देता यार। मेरा दिल बल्ले बल्ले कर रहा है, बल्ले बल्ले। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज, मतलब प्रीता जी करण से भी दूर रहेंगी और तुमसे भी। वाह, जैसा तुमने बोला है ना करूंगा। क्या बात, जाओ और अभी के अभी ये काम करो। करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं देखती हूं प्रीता इस घर में कैसे आती है। कुछ कुछ हो रहा है प्रीता जी के लिए, ऐसे मेरी भी किस्मत का मानना पड़ेगा। आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। अरे किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी गर्लफ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड से ये कहती कि जाओ जाकर किसी और से शादी कर लो। प्रीता जी
फाइनली मेरी शादी आपसे होगी। अरे मैं तो मरे जा रहा था आपसे शादी करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में दो दो पेड़ हैं, स्पाइसी शर्लिन और शुगरी प्रीता। पर मैं किसी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं एक अच्छा पति बनूंगा क्योंकि मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक अच्छा पति बनूंगा और अच्छा जीजा भी। जीजा गया तेल लेने, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मैं एक अच्छा दामाद बनूंगा। क्यों? क्योंकि सरलाटी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती, मेरी बहुत इज्जत करती है। बट माय इनोसेंट सासू माँ, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मंदिर में शर्लिन का जो दूल्हा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। वो मैं था जिसने उन्हें धक्का मार के पानी में गिराया, वो मैं था जिसने उन्हें टॉर्चर किया। उन्हें तो पता ही नहीं है और ना ही कभी पता चलेगा। प्रीता जी, आई एम कमिंग। समझती तू अपने आप को? तू तो मरी आज। इस आदमी ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है, उसे मारा है, उसे अस्पताल पहुंचाया। इसकी वजह से हम मां बेटी वापस गए। ऋषभ की शादी हुई है तो इसकी वजह से मेरी बेटी के मान सम्मान पर इतनी चोट आई, इतने सवाल उठे। प्रीता और करण की दोस्ती टूट गई, इसकी वजह से उसे लूथरा हाउस से धक्के मार के करण ने। यह आदमी बहुत खतरनाक है, पर आज मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। मैं पुलिस को फोन करके इसे अरेस्ट करवा दूंगी। बहन जी, ग्राहकी का टाइम हो गया, जल्दी कीजिए। कल्याणी, सब्जी का पैकेट संभाल के रख, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं नहीं, नहीं। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। मैं किसी भी तरह इसे दूसरा हाउस ले जाऊंगी, इसके मुंह से ही इसका गुनाह कबूल करवाऊंगी, मेरी बेटी का, मेरी प्रीता का मान सम्मान वापस लाऊंगी। पर ये मेरे साथ लूथरा हाउस कैसे जाएगा? ये लूथरा हाउस जाने के लिए मानने वाला थोड़ी ना, तो फिर इसको वहां कैसे लेकर जाऊंगी मैं? एक यही तो है जो मेरी प्रीता की बेगुनाही साबित कर सकता है। इसके मुंह से सच उगलवा के मेरी प्रीता की इज्जत वापस आ सकती है। वहां लूथरा परिवार को विश्वास हो सकता है कि मुझे सच में किडनैप किया गया था। लेकिन इसे कैसे लेकर जाऊं? अबे अकल के अंधे, तुझे बोला ना काम कर, मैं तो जान ले लूंगा तेरी, समझे ना? कैसे किडनैप करूं इसे मैं? ये गुंडा मुझसे क्यों डरेगा? आई होप, आई विश ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल जाए। हाँ, अगर इस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो हमारी कंपनी को उससे बहुत प्रॉफिट होगा। प्रीता का इंतजार कर रहा था मैं तेरी शादी पर। शर्लिन की रिपोर्ट मिल गई थी, शर्लिन का पर्दाफाश करने वाले थे हम दोनों। आई एम सॉरी ऋषभ, मैं तेरी शादी नहीं रोक पाया। तो बहुत कोशिश की कि तेरी शादी शर्लिन से नहीं हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया यार। मेरे पास सबूत नहीं था कि शर्लिन प्रेगनेंट है। वो सबूत, वो रिपोर्ट, वो प्रीता के पास थी, लेकिन प्रीता नहीं आई। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। सर, हम लोग की मीटिंग कल करते हैं। सॉरी गाइस, आई थिंक सर अपसेट हो गए। एक्चुअली सर का फंक्शन ऑन था एंड हमें उन्हें यहाँ बुलाना पड़ा फॉर दिस मीटिंग। वेट, मैं सर से भी बात करके आता हूँ। सर अपने कैबिन में गए होंगे। नहीं नहीं, हम और वेट नहीं कर सकते, वी आर ऑलरेडी लेट। हम एक काम करते हैं, कल ही मीटिंग करते हैं। ठीक यार। सैमी, डी को करण सर के रूम में भेज के इतना टाइम हो गया, अगर दो मिनट के अंदर इन दोनों में से कोई बाहर नहीं आया ना, तो मतलब बुद्धू, मतलब पैचअप हो गया, झगड़ा फिनितो।
मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों भाई? हाय। अरे यार सैमी, करण सर तो बड़े अपसेट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जंग लड़कर आ रहे हैं। हाय बेचारी मेरी प्रीता दी। ये बागड़ बिल्ला तो बड़ा खुश हुए जा रहा है, इतना क्यों हंस रहा है ये? यार दीप बड़ी अपसेट लग रही है, इसका मतलब सब गड़बड़ हो गई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ये मैटर और खराब हो गया यार। Excuse me, प्रीता जी, one second please। ये है प्रीता जी, मेरी होने वाली पत्नी। हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है, आप लोग जरूर आइएगा। पृथ्वी पागल है क्या? देखो ना प्रीता को कैसे घूर रहे। आई स्वेयर सैमी, अगर मैं कोई डॉक्टर या जल्लाद होती ना, तो इस बागड़ बिल्ले की आंखें नोच निकालती और किसी जरूरतमंद को डोनेट कर देती। अरे देखो ना कैसे देखे जा रहा है मेरी दी को यार। मन तो कर रहा है अभी जाके इसकी आंखें नोच डालो। जाओ क्या? तारे सुन लेगी। सृष्टि। हाँ जी। अब घर चले क्या? मुंह दिखाए की रस्म के लिए आए थे, वो तो हो गई, तो फिर अब रुक के क्या करेंगे? चल चलते हैं। अब अदि, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कुछ देर और रुकी ना तो मेरा खाली पेट पूरा बाहर आ जाएगा। कुछ खा के चले क्या? हाँ तुम खाओ ना। सैमी फोन का मेरा भाई, मैं आप ही के पास आता, ये लो ना। ठीक है, ये मॉम का फोन है। तो इसका मतलब सृष्टि और सैमी ने मिलकर मुझे करण के रूम में भेजने की प्लानिंग की थी। सैमी ने इसीलिए कहा कि राखी आंटी का फोन करण के रूम में, जबकि राखी आंटी का फोन उसी के पास था। सृष्टि, दी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं किचन में जा रही हूँ। ओके भाई, लो लो ना, मैं आता हूँ। सजदा प्रीता जी, आपको जब भी यहां से जाना हो ना, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। करण, 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 आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यू वांट टू नो व्हाई? You know what? तो खुश हो ले आज। सोचूंगा तुझे उधार की खुशी दी दान में। अरे पगले, ये तो तेरी गलत फहमी है कि देता मनुष्य है, देता सिर्फ ऊपर वाला है, वो भी छप्पर फाड़ के। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी
वो साफ हो गई। मतलब कि प्रीता जी के दो अनवांटेड आशिक, एक के साथ प्रीता जी का लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी बहुत बुरी तरह से, और दूसरे के साथ मेरी शर्लिन बेबी ने शादी कर ली। ऊपर से शर्लिन बेबी ने मुझे ये भी कह दिया कि जाओ जाके प्रीता जी से शादी कर लो। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब कोई नहीं रोक सकता प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। गॉड थैंक यू टू सी।